नमस्कार, क्विक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप भी इंस्टाग्राम पर 15 सेकेंड से ज़्यादा का स्टोरी लगाना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर 15 सेकेंड से अधिक का स्टोरी कैसे लगा सकते हैं? तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए सीखने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल पर है। मोबाइल पर आने के बाद इंस्टाग्राम पर 15 सेकेंड से अधिक का स्टोरी लगाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर में आपको एक योर स्टोरी का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में जो भी फ़ोटो वीडियो होगा वह दिखने लगेगा। अगर यहाँ से आप किसी भी वीडियो का स्टोरी लगाते हैं तो आप 15 सेकेंड से अधिक का स्टोरी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी फ़ोटो के साथ इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं तो वहाँ पर आपको 15 सेकेंड से अधिक का स्टोरी लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है कि आपको जिस भी फ़ोटो का स्टोरी लगाना है आपको उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक इमोजी का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक म्यूजिक का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर जाना है। जाने के बाद यहाँ से आपको जिस भी सॉन्ग के साथ स्टोरी लगाना है उस सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको टाइमिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 सेकेंड से अधिक का स्टोरी लगाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको बैक करना है। बैक करने के बाद अब आपको 15 सेकेंड से अधिक का इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाने के लिए नीचे में आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रील का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद अब आपको यहाँ पर जिस भी फ़ोटो का स्टोरी लगाना है उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऐड क्लिप्स का ऑप्शन मिलेगा, फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जिस भी फ़ोटो का स्टोरी लगाना है फिर से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसी तरह से आपको बारी बारी से करीब 10 से 11 फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। अगर इसमें आप कोई दूसरा भी फ़ोटो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर में आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जितना भी फ़ोटो सिलेक्ट किए हैं उससे यहाँ पर आपको एक वीडियो क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पर जितना ज़्यादा फ़ोटो सिलेक्ट कीजिएगा उतना लंबा वीडियो क्रिएट होगा। उसके बाद यहाँ से वह वीडियो सेव हो जाएगा, आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ से इसको बैक करना है। बैक करने के बाद अब आपको ऊपर में योर स्टोरी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर स्टोरी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको गैलरी का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप जितना अधिक फ़ोटो सिलेक्ट किए होंगे उतना लंबा वीडियो क्रिएट हो गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा 50 सेकेंड का यहाँ पर वीडियो क्रिएट हो गया है। यहाँ पर फ़ोटो से वीडियो बन गया है। अब आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर में आपको यहाँ पर इमोजी का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको म्यूजिक का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर जाना है। तो अब यहाँ से आपको जिस भी सॉन्ग को लगाना है, म्यूजिक को लगाना है। अगर आपके मन में कोई भी फेवरेट सॉन्ग है तो आपको क्या करना है कि सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको उस सॉन्ग का आपको नेम सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे सॉन्ग दिख जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि बारी बारी से उस सॉन्ग को प्ले करके चेक करना है। चेक करने के लिए यहाँ पर जो प्ले का बटन दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है कि उस सॉन्ग के नेम पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पर अगर आप इस सॉन्ग को एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप इस सॉन्ग का नेम आप फोटो पे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आपको इसको हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पर आपको एक एरो का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको शेयर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको डन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टोरी लगने लगेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टोरी लग रहा है। तो इस तरह से आप इंस्टाग्राम पर 15 सेकेंड से ज़्यादा का स्टोरी लगा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।